नमस्कार, सवाल आपके जवाब मंत्री जी के। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नीलम शर्मा। आज हमारे साथ होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा। लेकिन उनसे बात करने से पहले आइए जरा हम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विगत 4 सालों में उठाए गए विभिन्न जो पहले हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उन पर एक नजर डालनी। मिशन इंद्रधनुष 2018 तक देश के 90% बच्चों के टीकाकरण का इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व निशुल्क सुविधाएं मुहैया कराना। नई स्वास्थ्य नीति 2017, इसका लक्ष्य है रोग से निरोग, इसके द्वारा सभी को स्वास्थ्य और कल्याण की उच्चतम सेवा प्रदान करना है और इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को व्यापक बनाना है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, इसके जरिए सरकार ने देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहली बार अधिकार आधारित कानूनी ढांचे को अपनाया है और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित किया है। अमृत और जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाओं और विश्वसनीय उपकरणों को आम आदमी की पहुंच के दायरे में लाने के लिए अमृत केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर कैंसर और हृदय रोग जैसी जटिल बीमारियों से जुड़ी दवाइयां और उपकरण बाजार की कीमत से 60-90% कम दरों पर उपलब्ध है। आयुष्मान भारत 2018 में सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई दी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें गरीब और वंचित 10 करोड़ परिवारों का मुफ्त में इलाज होगा। इसके लिए सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग की योजना, इसके जरिए 30 साल तक के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। इसमें 5 बड़ी बीमारियों के बारे में स्क्रीनिंग करने की भी योजना है। हृदय रोगियों को बड़ी राहत देते हुए कोरोनरी स्टेंट्स के दामों में 85% की कमी की गई। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, इसके जरिए डायलिसिस की सुविधा को व्यापक और सस्ता बनाया गया है। अस्पतालों का विस्तार, अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिए 20 नए एम्स बनाने की योजना है और साथ ही जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तब्दील किया जाएगा। और इस बातचीत में हमारे साथ इस समय हमारे सम्मुख मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा। बहुत बहुत स्वागत है नड्डा जी आपका। अगर हम बात करें कि देश का जो अंतिम व्यक्ति कहीं किसी दूर दराज के गांव में बैठा है, उसके लिए इस देश में, इस देश की सरकार में क्या कुछ सोच है, कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको लगता है कि प्रमुख हैं जो पिछले 4 सालों में उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2002-03 के बाद 2017 में जो नई स्वास्थ्य नीति आई, वह स्वास्थ्य नीति के 2-3 पहलू थे और पहलू हैं। एक तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, फोकस शिफ्ट हुआ है। पहले हम रोगी को कैसे उपचार करें, इस पर हमारा ध्यान था। अब इसके साथ साथ कि हम रोगी का उपचार करें, रोगी बने ही ना, सो रोग से निरोग की ओर, इस पर हमारा स्ट्रेस आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम सभी पैथीज को मेन स्ट्रीमिंग करके कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देने की कोशिश कर रहे हैं और बजट हेल्थ पर बढ़े, इसके लिए जहां हमारा कमिटमेंट है, वहीं हमारी कोशिश है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर तीनों में बैलेंस बैठाएं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके तीनों ही एस्पेक्ट्स की केयर होनी चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत, जिसकी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है, उसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया है। और आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट पर ध्यान दिया जो हमारे स्वास्थ्य नीति को पुष्टि करते हैं, रोग से निरोग की ओर ले जाते हैं, और दूसरा टर्शरी हेल्थ केयर में हम फैसिलिटेट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम लोगों ने तय किया है कि जो अभी तक हमारे सब सेंटर्स हैं, 1.5 लाख सब सेंटर्स, ये 1.5 लाख सब सेंटर्स को हम वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करेंगे। और वेलनेस सेंटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अभी तक ये सब सेंटर्स हमारी आशा वर्कर्स और ANM के द्वारा, इसमें जच्चा बच्चा, माँ बच्चा और साथ में उसके एडोलेसेंट होने के स्वास्थ्य की हम चिंता करते हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ हम यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे। और यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग के तहत हम हर एक व्यक्ति को 30 साल की उम्र में उसका हेल्थ स्टेटस को ध्यान में लेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़,
महिलाओं का सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सभी लोगों का ओरल कैंसर, इन पांच चीज़ों की हम स्क्रीनिंग करेंगे। इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, जेरियाटिक केयर, पैलिएटिव केयर, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। थ्रोट, आइज़, नोज़, थ्रोट, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लेंगे कि इसको क्या बीमारी हो सकती है और उसका सही समय पर उपचार करने के कारण हम भयंकर बीमारियां जो बाद में लगेंगी उसको हम रोक पाएंगे, डिजीज बर्डन घटाएंगे। दूसरा, आयुष्मान भारत में, मैं इसी पे आ रही थी। आयुष्मान भारत एक स्कीम है और कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो कि बीमा से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि लोगों के पास अक्सर पैसे की कमी पड़ जाती है, ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। हमारे एक दर्शक हैं जो आपसे इसके बारे में सवाल भी पूछना चाहते हैं। सरकार स्वास्थ्य गारंटी के नाम पे हर परिवार को 5 लाख रुपए देने का जो वादा कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि इसमें व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आएंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस पर बहुत डिटेल में, बहुत एट लेंथ डिस्कस करते हुए सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रदेशों में स्वास्थ्य की नीतियां, स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे थे और केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही थी, इनसे भी जो हमने सीख ली है, जो लर्निंग्स ली हैं, उनको हम सुधार करके इस स्कीम में देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यवहारिक कठिनाइयाँ ना आ सकें। पहली बात तो ये है कि जैसे हमने, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि कौन से टर्शरी हेल्थ केयर के प्रोसीजर्स होंगे जिनको हम इलाज के लिए, हम उनको उसके लिए पैसा देंगे। लगभग अभी 1300 से ऊपर ऐसे प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और भी तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं, 1300+ ऐसे प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ये प्रोसीजर्स बढ़ सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स इसमें से स्टेट्स वाले भी अपने तरफ से डालने का प्रयास करेंगे, वो सारे प्रोसीजर्स का कॉम्पैक्ट बनेगा। दूसरा कि हमारे सरकारी अस्पताल तो सारे एम्पैनल्ड होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट के लोग जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होंगे, उनकी क्या क्या शर्तें होंगी, वो कौन से मापदंड होंगे जिन पर हम उनको एम्पैनल करेंगे, फिर उनके एम्पैनलमेंट का ग्रेडेशन क्या होगा। कोई एक नर्सिंग होम है और कोई एक 700 बिस्तरों का अस्पताल है, तो दोनों की फैसिलिटीज़ में अंतर होगा, तो दोनों की पेमेंट्स में भी अंतर होगा, तो इनकी भी ग्रेडेशन की जाएगी। अच्छा। और इस लर्निंग के लिए एक कंपोनेंट हम लोगों ने डेवलप किया है एम्पैनलमेंट को, और प्रोसीजर्स क्या होंगे और प्रोसीजर्स में एंटर करने के लिए क्या होगा। नड्डा जी, इसमें लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जेनेटिक जो बीमारियां हैं या जो बच्चों को जन्म से ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या उसको भी इसमें आप शामिल करें? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक जेनेटिक बीमारियों का सवाल है, वो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत हद तक कवर होती हैं, लेकिन जो बच जाएंगी, जो जानलेवा बीमारियाँ हैं, उसमें सारे इंटरवेंशंस पर हम हेल्थ कवरेज। और क्या इसमें ओपीडी भी शामिल होगा? ये भी एक ओपीडी के लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। ये जो इंटरवेंशन है, ये उसके लिए है जो जानलेवा बीमारियाँ, जिससे जो बहुत कॉस्टली होती हैं और जिससे व्यक्ति की आमदनी पर असर पड़ता है, परिवार पर असर पड़ता है, और वो सीधे सीधे इतनी कॉस्टली होती हैं कि वो गरीबी की रेखा के नीचे आ जाता है। तो ऐसे प्रोसीजर्स जो होते हैं, सवाल इसमें और लोग पूछते हैं कि साहब, जो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, 10 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं आप देंगे, इसमें जो क्लेम्स आएंगे उसको कौन प्रोसेस? मैं इसीलिए सारी बात आपको बता रहा था कि इसके तीन कॉम्पोनेंट्स मैंने बताया। एक तो आपको बता दिया एम्पैनलमेंट का, और एम्पैनलमेंट के साथ साथ प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, 1300+ प्रोसीजर्स हैं। दूसरा है कि इसमें स्टेट्स को हम भागीदार बना रहे हैं, इसलिए स्टेट्स के साथ हमारा MOU होगा। अच्छा। हम अभी आने वाले समय में 5-6 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स करके स्टेट्स के साथ हम MOU करेंगे। MOU अलग अलग स्टेट के साथ अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी भी अपनी हेल्थ स्कीम्स चल रही हैं, उसको वो जोड़ना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, साथ रखना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएंगी। तो ये हम MOU करने के बाद हम RFP जो बना रहे हैं उस पर वो अपनी हामी भरेंगे, फिर उस पर टेंडर अवार्ड होंगे, और उस पर टेंडर अवार्ड होने के बाद फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ को हम वो उनको अवार्ड करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, और फिर वो टेंडर अवार्ड होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये तीसरा जो कंपोनेंट है वो है डिजिटल कंपोनेंट। अच्छा। डिजिटल कंपोनेंट में अभी तक हम लोगों ने ये जो 50 करोड़ लोग हैं
और 10 करोड़ पर से प्लस परिवार है, वैसे तो 10 करोड़ 73-74 लाख है, तो ये इनको इनका 90% हमारे आयुष्मान भारत दिवस के तहत 30 अप्रैल को इनका वैलिडेशन हो गया है, इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। इनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको हम आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड जिनके पास नहीं होगा उनके लिए हम दूसरी मेथोडोलॉजी लाएंगे ताकि उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ जहां हम आधार कार्ड के साथ सीडिंग करेंगे वहीं हम सब्स्यूम करेंगे जो डिफरेंट अभी तक जो स्कीम्स चल रही हैं उनके लोगों को भी हम इसमें सब्स्यूम करेंगे। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उनको भी हम किस तरीके से जोड़ेंगे, इसके लिए हमने आईटी सेक्शन को नीति आयोग के साथ मिलकर के टॉप जो हमारे आईटी के लोग हैं और जो स्टेट्स में चल रही स्कीम्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम ये आईटी का सिस्टम बना रहे हैं विच विल बी कैशलेस एंड इट विल बी पेपरलेस। अच्छा हाँ, और इस आईटी के प्रोग्राम को हम कर लेंगे जुलाई महीने तक, और जुलाई महीने में हम इसको टेस्ट पर डालेंगे। टेस्ट पर जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम इसको लोगों के लिए रोल आउट करेंगे। अच्छा, लोगों का एक बहुत बड़ा एक शक और शुभा आता है बीमा कंपनियों को लेकर। अक्सर हमने देखा है कि वो लोग जो कि अभी तक जिनके पास इस तरह के इंश्योरेंस हैं उनको भी बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं बीमा कंपनियों के, वहाँ से पैसा निकालना कोई इतना आसान काम नहीं होता, इतने आराम से वो देते नहीं। तो लोगों को लगता है कि अनपढ़ गरीब आदमी किस प्रकार से क्या इस तरह के झमेलों में तो वो नहीं फंसेगा कि वो बीमा कंपनियों के चक्कर में फंसे। चिंता की गई है, व्यक्ति को किसी बीमा कंपनी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये पेपरलेस होगा और ये कैशलेस होगा, इसका सिस्टम डेवलप होगा, ऑपरेशन बाद में होगा और बाद में क्लेम लेंगे, ऑपरेशन पहले होगा बाद में क्लेम लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ऑपरेशन की हामी जब हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन भरेगा और जब उसकी पात्रता तय हो जाती है और वो टाइमली होगी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए ही चेक्स एंड बैलेंसेज हमने डेवलप किए हैं। इसलिए ना बीमा कंपनी की मनमानी चलने वाली है, और हम इसीलिए स्टेट्स के साथ RFP जो कर रहे हैं उस RFP में हम लोगों ने सारी चीज़ों को वर्कआउट किया हुआ है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम अभी तक गलतियों से ही सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और इन गलतियों को सुधार करके हम करें हैं। आगे भी अगर कोई आएगी तो उसको भी हम सुधार करने की गुंजाइश रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए हमने कहा हम टेस्ट पर डाल के जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगी स्कीम। तो तकरीबन कब तक आपको उम्मीद है कि इसको जल्द से, जैसे मैंने कहा कि जुलाई में हम टेस्ट पर डालेंगे, जो टेस्ट के रिजल्ट्स पर हम डिपेंड करेगा कि हम इसको कब रोल आउट करते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कौन सा दिन होगा और कौन सा समय होगा। जी हमें उम्मीद है वो दिन बहुत जल्द आएगा सबके लिए। बिल्कुल। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे एक दर्शक का। मेरा नाम कृष्णा है और जयपुर में SOMS हॉस्पिटल है, लेकिन मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है और काफ़ी भीड़ रहती है, और मरीजों को टाइम से टाइम मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाता है और लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और जांचें वगैरह करानी पड़ती है, तो मतलब टाइम से भी नहीं मिल पाती, दूसरे दिन मिलना पड़ता है। देखिए, इसका संबंध आयुष्मान भारत से नहीं है। नहीं, ये तो एक और सवाल जो ये डॉक्टरों की कमी का सवाल है, इसमें भी बहुत से कारण हैं। कारण ये है कि हमने नॉर्म्स ऐसे बना दिए जो नॉर्म्स के कारण हमारे डॉक्टर्स की वैकेंसी बहुत दिखती है, फैक्चुअली उसकी ना आवश्यकता है और फैक्चुअली उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसको वर्क करने के लिए जो हम नया बिल ला रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, उसमें हमने मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ा है, और मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से डॉक्टर्स की जहाँ कमी होगी उसको हम उसके साथ पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो डिजिटल इंडिया की बात है तो डिजिटल सपोर्ट के साथ हम वहाँ पर स्पेशलिस्ट की भी जानकारियाँ और स्पेशलिस्ट की भी ओपिनियंस हम वहाँ तक पहुँचा सकें। दादाजी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर हो जाते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम सवाल आपके जवाब मंत्री जी के।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी मौजूद हैं, जो अलग अलग सवालों के जो आपके द्वारा भी पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। इलाज जो है वो बहुत महंगा है और इसमें ज़मीन तक लोगों की बिक जाती है, दवाएँ बहुत महंगी होती हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए, जहाँ तक इलाज का सवाल है, प्रधानमंत्री जी के मन में यही बहुत बड़ी चिंता थी और एक मन में तीस भी थी कि गरीब लोग एक तो बहुत इलाज करा नहीं पाते और कराते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मकान और ज़मीन बिक जाते हैं इलाज के कारण। इसीलिए आयुष्मान भारत के तहत इन लोगों को, यानी जब हम 50-55 करोड़ लोगों को, यानी 40% से ज़्यादा की आबादी को, तो जो भी ज़रूरतमंद है वो इसमें कवर होगा। तो जब वो कवर होगा तो गरीबी की रेखा, उसका इलाज जब अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और दूसरी बात कि ये महंगा इलाज को भारत सरकार सब्स्टिट्यूट करने के लिए आगे आ रही है ताकि वो महंगे इलाज को भी करा सके और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो दवाइयों की जहाँ तक बात करें, उसके लिए हम लोगों ने दो कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो जेनरिक मेडिसिन पर, जन औषधि केंद्र, ये फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से चल रहा है और इसमें बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और लोगों को सस्ती जेनरिक दवा, क्वालिटी मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन मिल रही है। इसके साथ साथ हमने अपने सिस्टम में अमृत एक कार्यक्रम चलाया है, अमृत दीनदयाल, और इस अमृत में ए स्टैंड्स फॉर अफोर्डेबल, एम स्टैंड्स फॉर मेडिसिन, आर स्टैंड्स फॉर रिलायबल और आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लांट्स एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट। इस कार्यक्रम के तहत हमारे पास 138 शॉप्स हैं जहां हम ब्रांडेड मेडिसिन और इम्प्लांट ट्रीटमेंट्स, ये लगभग 67-68 लाख पेशेंट्स को और लगभग 630 करोड़ की दवा पिछले 8-9 महीने में 240 करोड़ के आसपास में दी गई हैं और लगभग 350 करोड़ का लाभ पेशेंट्स को मिला है। 90% MRP रेट से कम पर हम इन दवाओं को दे रहे हैं। तो इसके कारण आज आप देखिए, एम्स में जाइएगा लाइन लगी है, PGI चंडीगढ़ में जाइएगा लाइन लगी है, सफदरजंग में जाइएगा, लोग बाहर से भी आकर के दवाइयां यहां से ख़रीद रहे हैं और हम इसकी संख्या शॉप्स की बढ़ा रहे हैं। तो इसके माध्यम से हमने कैंसर की दवा, जो 1 लाख रुपये का कोई इंजेक्शन मिलता था, वो 7,000 और 8,000 में हम बेच रहे हैं। उसी तरीके से कोई 40,000 रुपये की कोई दवा है, वो हम कोई 2,000 और 3,000 में दे रहे हैं, 4,000 में दे रहे हैं। इतना हमने रिडक्शन किया है और हम अफोर्डेबल बना रहे हैं। अभी हम कुछ नए कदम और लेने वाले हैं जिसके तहत हम दवाइयों पर और कंज्यूमेबल्स पर हम कंट्रोल कर सकेंगे और ये आम आदमी को सस्ती मुहैया करा जी, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो जिस तरह की ब्रांडेड दवाएं लिखी जाती हैं वो बहुत महंगी हैं और लोग जो हैं वो फार्मूला तो लिखते नहीं हैं, डॉक्टर फार्मूला तो लिखते नहीं हैं, उसकी वजह से जेनरिक दवाएँ भी नहीं लोग लेते, तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है। इसमें मैं सबको यही कहूँगा कि जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग अब हम सभी स्टेट हेडक्वार्टर्स पर हम ये दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट को दवाई लेनी हो तो वो अमृत के शॉप पर जाए और उसको सस्ती दवा मिलेगी। नड्डा जी, एक और सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, मरीज ज़्यादा है और बुनियादी ढांचा बहुत कम है और यहाँ के लोगों को छोटे से छोटे इलाज के लिए भी बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। मैं देचिन जांगमो लेह लद्दाख से। जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं कि लद्दाख दूरस्थ इलाका है जहाँ साल में 6 महीने रास्ते बंद रहते हैं। इस दौरान मरीजों को, सीरियस मरीजों को कई कबार इलाज के लिए देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ जाता है और इस दौरान उन्हें कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। देखिए, हमारी कोशिश है कि हम सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को खोल रहे हैं ताकि दिल्ली पर रश घटे और वहाँ पर व्यवस्थाएं सारी की सारी खड़ी हों। उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में हम 72 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हमने ढूंढे हैं जहाँ हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 7-7 नई सुपर स्पेशलिटी खोलने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें से बहुत हद तक हमको सफलता मिली है, स्टेट्स उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो रश आ रहा है उसका मूल कारण ये है कि स्टेट्स को जितना इस पर ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, हम उनको फाइनेंशियली टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन स्टेट्स को वो कल्चर पैदा करना पड़ेगा ताकि मरीज़ उनके पास रुके
और उसके लिए उनको मेहनत कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम अपने तरफ से भारत सरकार प्रदेशों तक पहुंच रही है ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के तरफ। जी नड्डा जी, अगर हम बात करें मातृ सुरक्षा को लेकर, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एनीमिक होती हैं महिलाएँ, हमारे देश में लगभग आधी मतलब जो आबादी है वो एनीमिक है। बच्चों का भी अगर हम ले लें तो बच्चे जो हैं अंडरवेट पैदा होते हैं उनमें भी एनीमिया देखा गया है। ये जो दो बड़े वाइटल चीज़ें हैं, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसकी सेहत के प्रति कितने आप संजीदा हैं और उसके लिए ख़ास तौर पर क्या कुछ किया? मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा और मैं कहूँगा इसको जितना आप बताएँ, भारत सरकार की तरफ से एनीमिया के लिए 100% प्रोग्राम में फ्री मेडिसिंस दी जा रही हैं, फ्री सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है। मैं इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसमें लोगों को जानकारी की ज़रूरत है कि वह स्थानीय सब सेंटर से एनीमिक होने से बचने के लिए जो सप्लीमेंटेशन है उसका सदुपयोग करें, लाभ उठाएं। मैं आशा वर्कर्स और ANMs के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि ये एनेमिक होने को रोकने के लिए हर तरीके की सप्लीमेंटेशन की व्यवस्था भारत सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर के कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और हम भी इसके बारे में, हम भी यानी समाज भी इसके बारे में चर्चा नहीं करता। और शिशु मृत्यु दर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में बहुत गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारा MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो और अंडर 5 मॉर्टेलिटी, ये दुनिया की स्पीड से फास्ट डिक्लाइन कर रहा है। हमारा नंबर ज़्यादा है लेकिन हमने MDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हम बिल्कुल नज़दीक तक पहुँचे और अभी जो आंकड़े आएंगे वो इस बात को बताएंगे कि हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हासिल किया। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जहां और मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने विशेष योजनाएं बनाई हैं और परिवार विकास मिशन के तहत 7 स्टेट्स हैं जहां 147 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। जी नड्डा जी, एक सवाल और हमारे दर्शक का, ये आखिरी सवाल ये भी देख लेते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हर साल चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू एंड डेंगू से कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, लॉन्ग टर्म रणनीति यह अकेले स्वास्थ्य विभाग की नहीं बनती, लॉन्ग टर्म रणनीति सभी विभागों की मिला के बनती है। मच्छरों के माध्यम से ये चिकन ये होता है, जहाँ तक डेंगू का सवाल है, जहाँ तक स्वाइन फ्लू का सवाल है, वो वायरस होता है जैसे जो रोटेट करता है और उसके द्वारा होता है, समय समय पर ये म्यूटेट भी करते हैं। इसलिए इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो स्वच्छता का है। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ मच्छर नहीं होंगे, जहाँ मच्छर नहीं होंगे वहाँ मलेरिया नहीं होगा, वहाँ डेंगू नहीं होगा। हम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने ट्रेनिंग के साथ सारी अवेयरनेस दे की हुई है। समय समय पर डेंगू पर, स्वाइन फ्लू पर, चिकनगुनिया पर अपनी वर्कशॉप हुई और साथ में हमने सभी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस बात को कहा है और हमने कहा है कि आप इसकी तैयारी कीजिए, आगे कोई दिक्कत तो नहीं आती। टेस्टिंग किट्स, टेस्टिंग लेबॉरेटरीज, टेस्टिंग के दृष्टि से फैसिलिटेट करना, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने की हैं और हम यही कर सकते हैं। समाज का इसमें वो चाहिए और जिसमें फिर मैं जानकारी की कमी कहूँगा, अच्छे अच्छे घरों में मैंने देखा है कि अपने घर की सफाई करने के बाद गंदगी को बाहर फेंक करके ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभा दी है। वो निभाते नहीं हैं, वो सारे समाज को समस्या में डालते हैं और खुद को भी समस्या में डालते हैं, क्योंकि मच्छर कोई बाउंड्री नहीं जानता। बिल्कुल ठीक, तो वो आपको बराबर का दोषी भी मानता है और बराबर का वो सभी को इसमें पहल लेने की कहीं ना कहीं जरूरत है, तो इसलिए स्वच्छता उसका बहुत बड़ा एलिमेंट है। नड्डा जी, ये बताइए कि जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर भी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, हम लोगों ने हर तरीके के सपोर्ट किया है। सबसे पहला सपोर्ट तो ये किया कि आपके जो, अगर आपकी अपनी डायग्नोस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है तो आप प्राइवेट से करा लो, हम पैसे देने को तैयार हैं, ताकि व्यक्ति जो पेशेंट है उसको नुकसान ना हो। उसी तरीके से हमने फ्री ड्रग्स की फैसिलिटी देने का सवाल किया है और उसमें हम क्वालिटी मेडिसिन पहुँचा रहे हैं। उसी तरीके से उनकी मशीन्स ठीक रहें, उनके एनुअल मेंटेनेंस
का भी खर्चा हम दे रहे हैं। डॉक्टर्स का जहाँ तक सवाल है और पैरामेडिक्स का जहाँ तक सवाल है, हम उनको उच्च कोटि का ट्रेनिंग और कंटिन्यूस ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। गुणवत्ता लाने के लिए कायाकल्प प्रोग्राम के तहत हम जहाँ स्वच्छता की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल इन्फेस्टेड इन्फेक्शन ना हो इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमने डिजिटल माध्यम से अपना अस्पताल मेरा अस्पताल के नाम से चलाया है। जिस समय पेशेंट आईपीडी से बाहर निकलता है, लगभग 100 हॉस्पिटल्स इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिस समय पेशेंट बाहर निकलता है उसको एक SMS आता है, तुम्हारी हॉस्पिटल में स्टे कैसी रही, तुम संतुष्ट हो या नहीं। अगर संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हो तो क्यों संतुष्ट नहीं हो, वहाँ लेनेन अच्छा नहीं था, हाउसकीपिंग अच्छी नहीं थी, डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं था, दवाइयाँ अच्छी नहीं थी। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जवाबदेह बना रहे हैं ताकि वह उसमें जुड़ सके और उसको वो कर सके। अब हमने दो बातों का और निर्णय लिया है कि पहले ये ग्रेडिंग हम सीक्रेट रखते थे, हम हॉस्पिटल को बताते थे, अब हम ये ग्रेडिंग पब्लिक कर रहे हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि इस हॉस्पिटल की गुणवत्ता क्या है और ताकि वह उस फैसिलिटी को लेना चाहता है कि नहीं, और हॉस्पिटल मजबूर हो कि वो अपनी गुणवत्ता बढ़ाए ताकि उसकी ग्रेडिंग अच्छी हो। चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे हमें शेयर करना चाहें आने वाले समय में, जो आप चाहते हैं जिन फैसलों को लेना। जो हेल्थ पर पैसा खर्च हो रहा है वो हमारी कोशिश ये है कि वह अंतिम व्यक्ति तक उसी क्वालिटी के सर्विसेज के साथ जाए, इसके लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं उस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरा कि होलिस्टिक अप्रोच को हम डेवलप करें और रोग लगे ही नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि जानकारी के अभाव में हम अपने आप रोगी बनने के तरफ ढकेल चले जा रहे हैं और बाद में फिर हम पैसा खर्च करके उसको रोग से निरोग क्योर कर रहे हैं। हमें निरोगी रखना है, निरोगी काया बने, इसके लिए हम सारे कार्यक्रमों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नड्डा जी। धन्यवाद।